सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप पैन कार्ड में मोबाइल नंबर और आप ईमेल आईडी अगर आप चेंज करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, दोस्तों आप वीडियो को सुसला से देखते रहिए। दोस्तों मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि आपको कैसे आपको चेंज करना है मोबाइल नंबर और आप ईमेल आईडी, आप दो चीज चेंज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आपको कैसे चेंज करना, आप सोचते हो कि जैसे मैं पैन कार्ड जिस समय मैं बनाया हूँ वो दुकानदार ने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है, आप सोचते हो कि जैसे मैं अपना यानी मोबाइल नंबर जो मैं दिया हूँ वो मोबाइल नंबर मुझे खो गया है, आप सोचते हैं कि मेरा घर के पर्सन का कोई मोबाइल नंबर दे दिया, आप सोचते हैं कि मैं अपना खुद का मोबाइल नंबर डालूं और खुद का ईमेल आईडी डालूं यानी लिंक करना चाहता हूं पैन कार्ड में, दोस्तों आप बिल्कुल फ्री में आप चेंज कर सकते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, दो चीज़ आप बिल्कुल फ्री में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करते हैं दोस्तों आपको 100% दोस्तों आपको चेंज हो जाएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा। दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि आपको कैसे पैन कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे चेंज करना है। तो चलिए दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पर, और सॉरी दोस्तों एक बात को आपको जरूर याद रहना चाहिए, जिसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वही 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 व्यक्ति आप चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो अगर वो चेंज करना चाहते तो दोस्तों उसके लिए आपको अमाउंट देना पड़ेगा। अगर जिसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो बिल्कुल फ्री में चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल की मदद से, बस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दो चीज आप चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में। जिसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वही चेंज कर सकता है पैन कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे आपको चेंज करना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे चेंज करना है। तो चलिए मोबाइल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है परमजीत कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल ए परमजीत। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों, अगर आप पैन कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो दोस्तों बिल्कुल फ्री में आप अपडेट कर सकते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे चेंज करना है, तो वीडियो को सुसला से जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता देना ये चाहता हूँ कि पहले वीडियो को लाइक कर दो यहाँ पे खुशी से, अगर आप फ्री में चेंज करना चाहते हैं मोबाइल नंबर और अपडेट तो पहले खुशी से दिल से इस वीडियो को लाइक कर दो यहाँ पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को रेड कर बटन दबा सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन छोटा सा घंटी दबा दो और यहाँ ऑल के ऊपर क्लिक कर दो, जैसे जो भी मेरा वीडियो आएगा पैन कार्ड से रिलेटेड कोई सा मेरा वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको वीडियो पहुँच जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या चीज़ क्लिक करना है मैं आपको बताता हूँ, क्या चीज़ आपको टाइप करना है। तो दोस्तों आपको क्या चीज़ यहाँ पर टाइप करना है, तो पैन कार्ड आपको टाइप करना है पैन कार्ड। दोस्तों यहाँ पे मैं अपना क्लिक करो पैन कार्ड, उसके बाद TIN पैन कार्ड टीन को लिखने के बाद सर्च कर देना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए वेबसाइट इस टाइप से आ गया www.tinnsdl.com, तो ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू क्लिक करना है, फिर से आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। आपको यहाँ पे बैक पर यानी क्रॉस मल्टी जो है इसको कट कर दीजिए, उसके बाद आपको कुछ देर वेट करना है। दोस्तों ये आप अपडेट कर सकते हैं 9 बजे से लेकर सुबह शाम को 5 बजे यानी 6 बजे तक आप ये अपडेट कर सकते हैं, कुछ देर आपको वेट करिए, पेज आ गएगा मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। कुछ देर वेट करने बाद दोस्तों इसको ऊपर करिए तो ये अभी ऊपर नहीं हो रहा है, तो देखिए दोस्तों कुछ देर वेट करने बाद देखिए इस टाइप से एक ऑप्शन आ गया है क्विक लिंक से, तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, कहाँ क्लिक करना है 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक देखिए एक आपको ऑप्शन मिलेगा 3 नंबर पर न्यू यानी पैन न्यू फैसिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगा पैन न्यू फैसिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है भाई। उसके बाद दोस्तों अगर आप पेपरलेस एड्रेस अपडेट इन पैन, आपको ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है पेपरलेस एड्रेस पैन यानी अपडेट इन पैन, तो ये आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जिसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वही ये ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं पैन कार्ड को, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। तो जिसका मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से वही दोस्तों चेंज कर सकता है पैन कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकता है। मैं बता दी दोस्तों, मैं शुरू में नहीं बोल पाया हूँ सॉरी, मैं बाद बता देता हूँ। दोस्तों जिसका लिंक है आधार कार्ड से मोबाइल नंबर वही चेंज कर सकता है ऑनलाइन, और पैन कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकता है। तो दोस्तों इस टाइप से इंटरफेस आने के बाद दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट में आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, ईमेल आईडी न्यू आपका डालना है, न्यू मोबाइल नंबर डालना है, उसको चेक यानी टेक बॉक्स पर क्लिक करना है। दोस्तों मैं अपना पैन कार्ड और आधार नंबर डाल रहा हूँ, और दोस्तों यहाँ पे मैं अपना न्यू जो ईमेल आईडी जैसे मैं लिंक करना चाहता हूँ न्यू वाला ईमेल आईडी, वो मैं न्यू वाला ईमेल आईडी डालूंगा, उसके बाद न्यू मोबाइल नंबर डालूंगा, तो यहाँ पे टिक बॉक्स पर क्लिक करें। तो दोस्तों सबसे मैं अपना डिटेल्स भर रहा हूँ, वीडियो सुसला से जरूर देखना।
दोस्तों मैं अपना सब्जी में अपना डिटेल्स डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया हूँ, यानी मैं अपना न्यू ईमेल आईडी डाल दिया, जो मैं ईमेल आईडी में लिंक करना चाहता हूँ वो मैं न्यू ईमेल आईडी डाल दिया हूँ। अब मैं अपना न्यू मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको टिक बॉक्स पर क्लिक करना है। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैं बता रहा हूँ, वीडियो सुलास जरूर देखना, बिल्कुल फ्री में, आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला। आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड आपको डाल देना है, मैं यहाँ पे कैप्चा कोड डाल रहा हूँ। उसके बाद सी दिया है, उसके बाद वाई दिया है, उसके बाद यू दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों आपको सबमिट वाले ऑप्शन क्लिक करना है। कैप्चा डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड, यानी आपके पास जो आधार कार्ड से जो आपका लिंक है, जो आपके आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर 6 अंक के OTP जाएगा। वो आप OTP बताएंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पे कंटिन्यू विथ KYC होगा, वो आपका आधार कार्ड से जितना भी डिटेल्स होगा वो उठा लेगा। आपको दोस्तों जो भी आपका मोबाइल नंबर जो आप जो दिए हैं न्यू मोबाइल नंबर, जो आप पैन कार्ड में जो न्यू मोबाइल नंबर आप अपडेट करना चाहते हैं, वो आप मोबाइल नंबर जो दिए हैं दोस्तों, आपको वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा कुछ ही सेकेंड में, यानी इंस्टेंट तुरंत हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस, दोस्तों जो आपका मोबाइल नंबर जो आपका लिंक है, यानी आपका जो आधार कार्ड जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP गया 6 अंक। तो दोस्तों मैं अपना OTP डाल रहा हूँ, वीडियो सुलास जरूर देखना। दोस्तों देखिए मैं अपना OTP डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सब चीज़ जो डिटेल्स आ गया वही रहने दीजिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको यहाँ पे आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे डायरेक्ट आपको क्लिक करना है। नीचे में वेरीफाई वाले ऑप्शन क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप जो न्यू वाला जो मोबाइल नंबर दिए, जो आपको लिंक करना है पैन कार्ड में, वो देखिए आपका मोबाइल नंबर आ गया है। उसके बाद जो आपने न्यू जो ईमेल आईडी दिए हैं वो ईमेल आईडी भी आ गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए आपको क्या बता रहा है, वेरीफाई एंड गेट OTP, आपके जो आपका मोबाइल नंबर जो आप जो न्यू वाला जो मोबाइल नंबर दिए उस पर एक OTP जाएगा 6 अंक के। उसके बाद आपको ईमेल आईडी पर OTP जाएगा, यानी दोनों OTP जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको वेरीफाई एंड गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे OTP मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो आपने मोबाइल नंबर और जो आप ईमेल आईडी दिए हैं उस पर OTP गया, दोनों पे OTP गया। तो दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों पे मैं अपना OTP डाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे मैं अपना OTP डाल रहा हूँ। वीडियो सुलास देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों जो मैं अपना मोबाइल नंबर, जैसे मैं अपना जो न्यू वाला जो मैं अपना मोबाइल नंबर दिया हूँ उस पर OTP गया, OTP मैं अपना डाल दिया हूँ। उसके बाद न्यू जो मैं अपना ईमेल आईडी दिया हूँ वो भी मैं अपना न्यू वाला ईमेल आईडी पर मेरा OTP गया, वो भी मैं अपना OTP डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको वैलिडिटी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्या चीज़ क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको आ गया है कि जनरेट एंड सेव एंड प्रिंट, जो आपका रिसीविंग मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पर सेव रिसीविंग या प्रिंट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना। आपका देखिए दोस्तों एक रिसीविंग आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आप ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। और दोस्तों ये इंस्टेंट तुरंत दोस्तों ये लिंक हो गया है। आप भी दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, आपको कैसे आपको चेक करना है वो मैं दोस्तों अगली वीडियो में बता दूंगा आपको, चेंज हुआ कि नहीं हुआ मोबाइल नंबर। दोस्तों ये सेव 100% दोस्तों ये रियल काम करता है, आप भी कर सकते हैं। दोस्तों ये चेंज हो गया, लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में चाहिए वीडियो कि वो लिंक हुआ कि नहीं हुआ, तो दोस्तों वीडियो नीचे जरूर कमेंट करना, मैं आपको एक अलग से जरूर वीडियो बना दूंगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे चेक करना, लिंक है या नहीं है पैन कार्ड में, वो वीडियो जरूर मैं बना दूंगा, एक वीडियो सेपरेट वीडियो। अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो मैं जरूर बना दूंगा। तो दोस्तों आप भी लिंक कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जितना भी ग्रुप होगा भाई उसको भी शेयर कर देना, तो वो भी सीख पाए कि बिल्कुल फ्री में यानी पैन कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर सके। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।